नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आज के इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे उस गांव की जहां पर उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में मौट तहसील में एक गांव में इनकाउंटर किया गया है। आज समूचे हिंदुस्तान में पुलिस द्वारा पुष्पेंद्र यादव के इनकाउंटर करने के बाद समूचे देश में आज सनसनी मची हुई है कि ये पुलिस द्वारा जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर है और पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव की हत्या की है। विदेश के वो तमाम लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर नहीं, उसकी हत्या की गई है पुलिस द्वारा। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव चीख चीख कर इंसाफ की दरकार कर रही है कि उसके पति के साथ नाइंसाफी हुई है। जहां चारों तरफ दिवाली की तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर शिवांगी की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। आज शिवांगी यादव के परिवार के लोग मातम में जी रहे हैं। करवा चौथ का दिन नजदीक है जहां सभी महिलाओं को इंतजार है चांद देखने का। आज शिवांगी यादव की जिंदगी का वो चांद ही छुप गया है। शिवांगी यादव का आरोप है कि पुलिस ने उसके पति का, जो हर किसी पत्नी को इंतजार होता है अपने पति का चेहरा देखने का, पुलिस ने शिवांगी यादव को उसके पति का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पूरे देश में आज शिवांगी यादव के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। पुष्पेंद्र यादव को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वो लोग आज कैंडल मार्च निकाल करके पुष्पेंद्र यादव को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। आज पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव हिंदुस्तान की जनता के सामने इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप भी सुन लीजिए शिवांगी यादव का वो दर्द, शिवांगी यादव की दास्तान आपकी जनता के सामने। मुझे उम्मीद है कि आप शिवांगी यादव के दर्द को समझे हिंदुस्तान के। क्या चाहती हैं और क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या नाम है आपका? शिवांगी। और पुष्पेंद्र जी से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? 5 तारीख 11 बजे गए थे। क्या कह के गए थे आपसे? वो मोड़ से आ रहे हैं। किस काम के लिए? ट्रक फंस गया था, उससे कुछ छुटाने के लिए। आज छूट जाएगा वो, 4-5 दिन से बराबर जा रहे थे, आज छूट जाएगा कह रहे थे। वो दरोगा उन्हें रोज परेशान करता था। किस बात को लेकर? आज छोड़ देंगे आवाज हो। रात में वो 10 बजे तक वही पेट करते रहते थे, लेकिन वो नहीं आता था। तो नहीं आता था। उसके बाद में जब वो आपसे वो कह के गए, फिर वो क्या कह गए वहाँ से, यहाँ से, घर से? कि आज गाड़ी छूट जाएगी। छूट जाएगी? हाँ, आज काम हो जाएगा। 4:30 बजे फिर भी हम फिर उनने कॉल किया, दरोगा पूरे ही आ चुका है। ठीक है। हाँ, 4 बजे फोन किया था आपको? 4:30 बजे। 4:30 बजे आखिरी टाइम आपकी बात उनसे कब हुई थी? फोन पे बात हुई थी या जो घर पे बात हुई थी? फोन पे बात हुई थी। 4 बजे फोन पे बात 4 बजे हुई कि दरोगा उन्हें आ चुका है। जी। फिर इसके बाद फिर उन्होंने कॉल किया मैं कि दरोगा साहब आ गए हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद दो घंटे लग गए कपड़े चेंज करने में दरोगा को। ऐसा नहीं होता ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। क्या कर रहा था दरोगा? उनको घुमा रहा था ना? बिल्कुल घुमा रहा था। दो घंटे किसी को नहीं लगते कपड़े चेंज करने में। बिल्कुल नहीं लगते हैं। अब आपकी क्या मांग है सरकार से, आप क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहा है दरोगा को भी ऐसी मौत मारी जाए जैसे मेरे पति को मारा उन्होंने, जैसे हम तड़प रहे उसकी भी बीवी होगी ना? जी। होगी ना, उसके भी बच्चे होंगे। मेरा तो नहीं है, कोई नहीं सर। तो आपकी सरकार से यही मांग है कि जैसे जो पुष्पेंद्र जी के साथ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, वो भी उसके साथ में ऐसा ही हादसा हो और उसे जो सजा मिले। अगर मेरे पति, अगर वो लोग बता रहे हैं वो डकैत थे, चोर थे, अगर मेरे पति ऐसे होते कोई भी तो मुकदमा होता। बिल्कुल, कोई भी तो कहता, मैंने नहीं जाना। अच्छा, ये आपके मतलब जो पुलिस के जो FIR है उसमें वो बता रहे हैं कि आपके जो जेठ हैं, मतलब जो पुष्पेंद्र के जो भाई हैं, जो रविंद्र, तो वो भी उनके साथ में गए थे क्या? कैसे गए थे? वो तो दिल्ली थे, ड्यूटी, नाइट ड्यूटी थे।
कैसे गए थे? झूठ बोल रही है पुलिस। क्यों झूठ बोल रही है? कोई था साथ में नहीं था उनका, फिर भी झूठ बोले जा रही है। अकेले गए थे वो? अकेले थे। हमने पूछा भी, हमने ये भी कहा आपको रात हो रही है, आप जल्दी आ जाओ ना, आप अकेले हो। तो पुलिस का कहना ये था कि उनके साथ में जो तीन लोग मौजूद थे। झूठ बोल रही है वो, जिस दिन गाड़ी पकड़ी थी उस दिन तीन लोग गए थे। झूठ बोल रही है पुलिस, पुलिस बहुत झूठ बोले जा रही है। पुलिस के ये जो सारे जो आला अधिकारी कल आए थे, तो ये सारे लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा तो कोई नहीं देख रहा, पुलिस वालों को क्यों देख रहे हो? मेरा दुख भी तो देखो, मैं क्या करूं? पुलिस सर झूठ बोल रही है और ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी जानकारी की है कि पुष्पेन जी ऐसे साथ में गए थे। क्या करेंगे, पुलिस वालों को ये नहीं लग रहा है, ये नहीं समझ में आया कि इसके आगे कोई होगा पीछे होगा, जान से मार दिया। अगर उनने कोई गलती की थी, पकड़ के ले जाते, जेल में डालते, कुछ सजा सुनाते उनको। आपकी मांग, घर वालों को फोन करते कि आपके बेटे ने ऐसा काम किया। क्या फोन नहीं था उनके पास कि नंबर नहीं था? आपकी मांग यही है कि जो सजा या जो हादसा हुआ है वैसी भी सजा उसके साथ हो, जो मेरे सामने की जाएगी उसकी सजा, जब मुझे तसल्ली मिलेगी। मेरे सामने ऐसे नहीं छोड़ोगे।